और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब मेहनत करते हैं। आज मैं सब्जी के लिए ना मेथी उखाड़ के ले जाऊंगी, मेथी, लाई, पालक, हरी सब्जी अच्छी खासी हो रखी है। अब काटते हैं फटाफट से ये गड्ढी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरे क्षेत्र के एक छोटे से गांव से। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला सबसे पहले तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 4 बजे से लहसुन के खेत में से। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपने लहसुन के खेत में लहसुन की गुड़ाई करने के लिए, और यहाँ पे लगभग धूप भी जाने लग गई है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से आप सभी लोगों को दिखा दीजिए हमारा लहसुन कितना बड़ा हो रखा है। जब हम लोग मेहनत करते हैं तो उसका फल जब अच्छा होता है, जैसे कि हम लोग लहसुन लगाते हैं, जब अच्छी खासी लहसुन भी जम जाती है और लाई, पालक, मेथी सब कुछ बो रखा था, वो भी अच्छा खासा जम रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट अच्छा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को दिखाती हूँ हमारा लहसुन कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पे मैं एक डलिया गोबर ला रखी हूँ, और यहाँ पे अपने चप्पल मैंने उतार रखी है, और इस वाली क्यारी की मैंने पूरी गुड़ाई कर दी है, और बहुत ही ज़्यादा खरपतवार जम रखी थी इस साइड को डाल रखी है। इसमें ज़्यादा खरपतवार मतलब चलमड़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेथी अच्छी खासी हो रखी है, ये देखिए। आज मैं सब्जी के लिए ना मेथी उखाड़ के ले जाऊंगी, मेथी, लाई, पालक, हरी सब्जी अच्छी खासी हो रखी है, और लहसुन के पेड़ भी ना अब बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब मेहनत करने के बाद इस तरह से फसल जब ऊपर को होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मुझे उस वाले क्यारी की गुड़ाई करनी है, और यहाँ पे सनसेट भी होने वाला है। पालक जो है, पालक को मैं कल तोड़ के लेके जाऊंगी, आज मैं निकाल के जाऊंगी मेथी। तो मेथी ना कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा घनी हो रखी है। इस तरह से ना पूरे खेत से पहले मेथी ढूंढ लेती हूँ। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलूंगी आप सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे गधेरा भी है, जंगली सूअर का भी डर लगता है, और वो वाली क्यारी भी अभी फटाफट से गुड़ाई करके ख़त्म करनी है, और धूप भी जाने वाली है। फटाफट से मेथी निकाल लेती हूँ, गुड़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आप सभी लोगों को। आज ये लहसुन की गुड़ाई मैं दूसरी बार कर रही हूँ। जब हमारे गाँव में भागवत लगे थे तब कर रखी थी, कलश यात्रा के दिन मैंने इस खेत की गुड़ाई, उस दिन से आज मैं दूसरी बार अब लहसुन की गुड़ाई कर रही हूँ। लहसुन और प्याज को ना बार बार गोड़ना पड़ता है, आप सभी लोगों को भी पता ही है। तो लहसुन की गुड़ाई बार बार करनी पड़ती है। अभी तो हम लोगों ने प्याज नहीं लगा रखा है, खरपतवार जम जाती है तो बहुत ही गंदा होता है अगर लेट में हम लोग गुड़ाई करेंगे तो। तो चलिए गुड़ाई करती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर से मिलूंगी आप सभी लोगों को। और मैं हूँ यहाँ पे गधेरे के जस्ट सामने, यहाँ पे जंगली सूअर का भी बहुत ज़्यादा डेरा है तो डर लगती है। अभी एक क्यारी और गुड़ाई करनी है इसकी, फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों को घर जाके। गाड़ी से बच चुके हैं अभी इस टाइम। मैं खेत में से घर में आई, घर आके हाथ पैर धोए और थोड़ा बहुत बाहर का काम किया, कपड़े वपड़े उठाए, उसके बाद चाय बनाई मैंने गर्म गर्म, क्योंकि इतनी ठंड लग गई थी ना खेत में, क्या ही बताओ सब लोगों को। फटाफट से मैंने पूरा खेत कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत बच रहा था लेकिन स्पीड में मैंने खेत की गुड़ाई की, वो भी निपट गया था। और हल्की सी गीली हो रखी थी मिट्टी, जिसके कारण ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी, और हाथ ना बिल्कुल ऐसे हो गए थे ठंड की वजह से। तो दौड़ते दौड़ते घर आई, वीडियो नहीं बना पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई मतलब। तो घर आके मैंने चाय बनाए, चाय पी, उसके बाद दिया बाती किया हाथ पैर धो के। अभी किचन में मौजूद हूँ, अब बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी मैं आज बनाने वाली हूँ मैं गडरी, और जो मेथी लाई थी मैं खेत से, मेथी और गडरी की सब्जी, उसमें डालेंगे दही। तो यह है गडरी, अभी ये कट करनी है और मेथी उबालने के लिए रख दी है। और इसमें मैं लेके आई खेत से पालक और लाई मिक्स, कल चावल के साथ इसको बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है, वरना शाम को ही बनाएंगे कल शाम को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें मेथी कट करके रखी हुई है गर्म पानी में, और अब काटते हैं फटाफट से ये गडरी। आज गडरी और मेथी की मिक्स वाली सब्जी बनाएंगे। तो चलिए गैस फटाफट से सब्जी चढ़ा लेती हूँ, आटा भी गूंथ लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, भूख भी लग गई है। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और ये है हमारा अभी, इसको तो इतनी गर्मी लग रखी है क्या ही बताऊं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है कपड़े, स्कूल के यूनिफॉर्म है, और आयुष के है, और वहाँ पे चादर देखो ऐसी ऐसी सिमट रखी है। और ये है हमारा डॉन, इसकी तो क्या ही कहें, इसको तो गर्मी बहुत हो रखी है। कहाँ जा रहा, कुछ बोलेगा नहीं? अरे मम्मी से मिल दो, बोल बिल्ला, सुन तो सही मेरी बात। और यहाँ पे अभी तक आयुष जो है, नहीं यहीं से बनाऊंगी क्योंकि आयुष अभी तक अभी को पढ़ा रहा था, इस तरह से नीचे भूख से फैला रखी है, यहाँ पे बैठ रखी थी दरी में, इनको कौन उठाएगा यहाँ पे। यहाँ से फटाफट जाके इसने टीवी बंद कर दी है, आप लोग देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे टीवी दिख रही थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। और यहाँ पे कपड़े देखो, जो कि यहाँ पे टांकने की सुविधा है, ये देखिए
यहाँ पर है, फिर भी छोटा एक सा दो तो कमरा खाली है। है, छोटा सा तो उल्ला कमरा तो है, टकी तो ने जाना ही इतना टकी छोटा जाना, सा तो कमरा है ये, वहां पे भी है वो कहाँ कहाँ टाके ऊपर टाक देते, तो ऊपर कहां से वाले लाए तो बड़ा वाला कमरा, आप तुम बना देना फिर, ऊपर वाले तुम्हारे कमरे भरोसे बना हम भी देते। हैं। है तुम बना देना, अभी बना देगा ठीक है, बड़ा वाला रूम बना देना, बड़े बड़े रूम। मुंबई में बनाओगे? वाओ, ये मुंबई में बनाने, और आप कहाँ बनाओगे? चेन्नई में। चेन्नई और मुंबई में अभी से शिफ्ट होने वाले हैं, कुछ खाली नहीं बोल मतलब रहा है ये, बोलते फालतू हैं कि बातें मुंह में आएंगे बगदी गने, बस हम अभी अब बगदी कुछ भी है। बैठ दो, अगर गर्मी ज्यादा हो रही है तो पंखा से, अगर नहीं हो रही है तो आप कुछ स्वेटर पहन सकते हो। एसी चलाओगे? हमारे पास तो एसी नहीं है, कहाँ अच्छा चलाओ, बहुत कहाँ चलाओगे? तेज हो रहे हो, लोग तो तबेले में एसी लगा के बहुत सोते हैं, तेज हो यूपी के रहे हो, लोग तबेले में एसी लगा के सोते हैं। यूपी के लोग हाँ तबेले में एसी, हाँ तबेले में एसी कौन लगाते हैं रे? अरे वो लगाते हैं ना क्योंकि बहुत ही सेट है, और तबेला दिखाओ वहां तो कुछ नहीं होता है, गोबर ही साफ करने में लगे रहते हैं। गप्पे हुए दो चार, तुम भी मार दो गप्पे, क्या हो रहा हमारे पास तो फरारी है, बीएमडब्ल्यू एकदम बाहर लैंडिंग करने है? देना घर लेने वाले हैं आज, बस एक दो ये कितने दिन, अभी 6:30 बस 6:20 हुआ है, अभी 7 बजे नया घर हमारा लॉन्च हो रहा है, चंद्रयान 3 से नीचे आ रहा है वो, आराम से शिफ्ट हो रहा है, ये घर के ऊपर एक और घर क्या लगाएंगे। हो गया है, क्या हो गया है, कुछ भी मत ऐसे बताओ। नहीं बोलते, गप्पे नहीं मारते, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो बोलते हैं ना, कभी भी ज्यादा गप्पे नहीं मारने चाहिए। हमारे पास ये है वो है, कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा रूम है, मैंने आप सभी लोगों को पहले भी दिखा रखा है, बस इसी में हम लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो इतने अच्छे हैं, मम्मी का इतना साथ देते हैं, मम्मी प्रैंक भी करती है कभी कभी इनके साथ, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना।